आज हम फूड स्ट्रीट लाहौर में पहुंच चुके हैं और इस्तकबालिया में मौजूद ये शेर ये जी फूड स्ट्रीट बादशाही मॉस्क शाही बावर्ची खाना अंदरून शहर के मनाजिर शाही बावर्ची खाने में इन्होंने बिल्कुल शाही अंदाज में यहाँ सजावट की हुई है। छोटे बच्चे कवाली करने में मसरूफ़ हैं। ये कुछ तलवारें रखी हैं इन्होंने शाही अंदाज में। सर्कस का जानवर बंदर और बकरा। ये हमारे अकब में बादशाही मस्जिद है। ये शाही पान आ गया और पान खाने के बिल्कुल मूड में नहीं है। हवेली ये कोई रेस्टोरेंट टाइप है। जगह खूबसूरत भी है और तारीखी भी है। यहाँ के मज़ा आता है। लें जी गोल्डन मैन भी हमें मिल गया। लें जी इधर आके खाने का मज़ा दुबाला हो जाता है। बच्चे एंजॉय कर रहे हैं बग्गी को। ये घोड़े स्टैंड बाय पोजीशन। लें जी हमारे फ्रंट पे शाही किला और ये उल्मा एकेडमी बादशाही मॉस्क बादशाही मस्जिद और ये मज़ार इकबाल हमारे हर दिल अज़ीज़ शायर मशरिक अल्लामा मोहम्मद इकबाल की आखिरी आरामगाह। ये हमारे सामने बारह दरी है। हम जी वापस फूड स्ट्रीट में दाखिल होने लगे। ये बादशाही मस्जिद शाही किला बारह दरी इस पर व्लॉग किसी और दिन बनाएंगे। आज हम सिर्फ फूड स्ट्रीट की सैर करने आए हैं। आर्टिफिशियल ज्वेलरी की शॉप्स हैं इधर। ये कोई मज़े की चीज़ है कॉटन कैंडी अल मरूफ लच्छा। देखिए आप लच्छा तैयार हो रहा है। डेकोरेशन पीसेस हैं इधर। ये है जी कोई लॉजिस रेस्टोरेंट। वो कहते हैं ना जिन्हें लाहौर नहीं तकिया वो जमया ही नहीं। सच ही कहते हैं। मुख्तलिफ किस्म के डेकोरेशन पीसेस यहाँ आपको आसानी से मिल जाएंगे। ये रिक्शा ट्रक आर्ट चेस संगमरमर से बने हुए। आज तो हम वैसे ही गुजर रहे थे फूड स्ट्रीट से तो सोचा एक छोटा सा व्लॉग हो जाए। बाकी फूड स्ट्रीट में आने का तभी फ़ायदा जब फूड को टेस्ट किया जाए। उसके लिए हम हंजला गुजरात वाले को इनवाइट करते हैं क्योंकि उसके बगैर खाना अधूरा ही होता है। इंशाल्लाह अंदरून शहर लाहौर के किसी और व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगे।